जनपद संभल की चंदोसी में एसडीएम ने व्यापारियों के साथ बाजार खुलने के समय को लेकर बैठक की। जब से देश में कोरोना वायरस की वजह से संपूर्ण लॉकडाउन लागू हुआ है, संपूर्ण लॉकडाउन का सबसे ज्यादा असर व्यापारियों के व्यापार पर पड़ा है। जब से लॉकडाउन 4.0 को लेकर यूपी सरकार ने गाइडलाइन जारी की है, जिसके बाद व्यापारियों में इसे लेकर उत्सुकता है। इसी को लेकर आज जनपद संभल की चंदोसी में उप जिलाधिकारी चंदोसी महेश प्रसाद दीक्षित ने व्यापारियों के साथ कोतवाली में एक बैठक आयोजित की, जिसमें विभिन्न व्यापारियों के संगठनों के प्रतिनिधियों ने प्रतिभाग किया और अपनी बात अधिकारियों के समक्ष रखी, जिसमें अधिकारियों और व्यापारियों संगठनों के प्रतिनिधियों के बीच बाजार खोलने को लेकर सहमति बन गई, जिसकी सूचना पत्र के माध्यम से व्यापारी संगठनों को दे दी जाएगी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अरविंद कुमार गुप्ता है। अभी जो कोतवाली में मीटिंग हुई है व्यापारियों की, उसमें क्या क्या शर्तें और क्या क्या दुकानों के लिए नियम बनाए गए खोलने के? तो उन्होंने सबसे पहले ये बताया है कि जो सोशल डिस्टेंसिंग है, मास्क है, सैनिटाइजेशन है, इसका जो है विशेष सभी को, कस्टमर्स को, व्यापारी को ध्यान देना है। दूसरा उन्होंने जो विशेष रूप से बताया गया है वो ये है कि जो हलवाई की दुकानें हैं वो, और जो आवश्यक वस्तुओं की दुकानें हैं, दवा की है, किराने की है, ऐसी दुकानें सुबह से जो खोलने का उन्होंने समय दिया है वो सब 10 से 5 तक का समय दिया गया है। हलवाइयों को विशेष इसमें छूट दी गई है, जो सुबह सवेरी से और शाम के 6:30 बजे तक अपनी दूध की और उसकी बिक्री कर सकेंगे। शेष जो 35 ट्रेडर हैं उन्हें अल्टरनेट डेज में या थ्राइस इन ए वीक करने की व्यवस्था ऐसी प्रशासन कर रहा है, जिसकी लिस्ट वो आज रात तक तैयार करके देंगे, उसके अनुसार ही वो ट्रेड के व्यापारी अपनी दुकानें खोल सकेंगे। जैसे समय गर्मी है और गर्मी में बिजली की जैसे समस्या, लोग पंखे खराब हो गए, किसी को पंखा नया खरीदना है तो इसमें बड़ी समस्या है, कोई बिजली का पार्ट खराब हो गया वो नहीं मिल पा रहा, तो बिजली है और या टेलर हैं, कपड़े वाले हैं या सर्राफ हैं, इन लोगों को क्या? उन्होंने इसके बारे में ये बताया है कि प्रत्येक कारीगर, प्रत्येक मिस्त्री, सबको इजाज़त दी जाएगी कि वह अपना कार्य कर सकते हैं और हर दुकान खोली जाएगी जिस पर स्पेयर पार्ट्स मिल सकें, जहां सर्विसेज हो सकें। सारे व्यवसाय को खोलने की मंशा प्रशासन की है, लेकिन वो ये चाहते हैं कि उसमें भीड़ भाड़ ज़्यादा ना लगे, सोशल डिस्टेंसिंग बना रहे, मास्क लगा के आदमी निकले और अपने आप को सुरक्षित महसूस करें।